आज मैं आपको पीनट यानी कि मूंगफली की बर्फी बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो रेसिपी है 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। इसके लिए ना तो हमें मावा की ज़रूरत है, ना कि घी की ज़रूरत है और ना ही दूध की। उसके बावजूद भी हमारी मिठाई एकदम काजू कतली जैसी टेस्टी बनने वाली है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है, तो सबसे पहले जो पीनट है यानी कि जो मूंगफली है उसे हमें भून कर लेना है, यानी कि रोस्ट करके लेना है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 1.5 कप पीनट लिया है। ये कच्चे वाले पीनट है तो इसे हमें मीडियम फ्लेम यानी कि मध्यम आंच पे हल्का रोस्ट करके लेना है। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसके ऊपर हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट ना आ जाए और इसका जो छिलका है वो अपने आप अलग ना होने लगे। तो इसे लगातार चलाते हुए भुनना बहुत ज़रूरी है। इसे एकदम ब्राउन या एकदम काला नहीं करना है, वरना जब हम मिठाई बनाएंगे उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये इतना ही रोस्ट होना चाहिए कि इसका कच्चापन चला जाए। मूंगफली को भुनने के लिए मैंने यहाँ पे पैन का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो जो नॉर्मल तवा होता है जिस पे हम रोटियाँ सेकते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे खाते समय बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे मूंगफली से बनाया है। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। अब आप देख सकते कि इसे मैं लगातार चलाते हुए भून रही हूँ और इसके ऊपर हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट नज़र आने लगे हैं, साथ ही में इसका जो छिलका है उसमें भी क्रैक नज़र आने लगा है। तो अब हम करेंगे कि गैस को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भुनना है। और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। मूंगफली जो है अब पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो इसका जो छिलका है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसका छिलका उतारने के लिए हम इस तरह से हाथों में लेंगे और इस तरह से मसल देंगे, जिससे कि इसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जितना हो सके उतना इसका जो छिलका है हमें उतार देना है। हमें सिर्फ मूंगफली लेनी है, वो भी बिना छिलके वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी मूंगफली का जो छिलका था मैंने उसे निकाल दिया है, कि इसे हमें पीसना है यानी कि इसका पाउडर बनाना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि मूंगफली जो है वो पूरी तरह से जब ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। गरम गरम अगर आपने इसे पीसा तो ये बिल्कुल आटे की तरह बन जाएगा। तो हमें आटा नहीं चाहिए, इसका एक फाइन पाउडर चाहिए। तो अब हम करेंगे कि इसे हमें छान कर लेना है। आप चाहो तो एज़ इट इज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल और साथ ही में इस तरह का स्ट्रेनर लिया है। मैं इसे इसलिए छान कर ले रही हूँ कि अक्सर होता है कि जब भी हम मूंगफली को ग्राइंड करते हैं तो उसमें जो कुछ जो पीनट है वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो बड़े बड़े उसके चंक्स हमें नहीं चाहिए, पूरा फाइन पाउडर चाहिए, इसलिए हमें इसे छान कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका पाउडर जो है एकदम छोटा छोटा पाउडर बनके रेडी है। तो चलिए अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेम पैन लिया है जिसमें हमने पीनट को भुना था। इसमें हम 3/4 कप चीनी यानी कि शुगर डालेंगे और इसी में हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो चीनी है पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और इसमें उबाल भी आ गया है। तो करेंगे इसे और 1 मिनट के लिए उबालने देते क्योंकि अब ये पूरी तरह से गाढ़ी नहीं हुए, तो हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। ये बस उतनी ही गाढ़ी रहे जितनी की हनी होती, जैसे हनी का टेक्सचर होता है ना चिपचिपा, बिल्कुल उस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। तो ध्यान रहे 1 या 2 तार वाली नहीं बनानी है, सिर्फ हनी टेक्सचर यानी कि चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो लगभग 1 मिनट हो गया है और चाशनी भी अच्छे से गाढ़ी होने लगी है यानी कि चिपचिपी हो गई है। यहाँ पे मेरे पास केवड़ा वाटर है तो इसके हम 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू मिलती है, साथ ही में फ्लेवर भी बढ़ता है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली रोज़ वाटर डाल सकते हैं या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो हमने जो ये मूंगफली का पाउडर बना के रखा है जिसे हमने छान कर रखा था, अब हम इसे इसमें डाल देते हैं।
तो इसे हमें अच्छे से मिलाना है और ये पाउडर फॉर्म होने की वजह से बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। पीनट है तो जैसे जैसे भूनता जाएगा वैसे वैसे अपना ऑयल रिलीज़ करता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो मिठाई है उसमें एक अलग सी शाइन भी आने लगती है, साथ ही में टेस्ट भी काफ़ी बढ़ता है। तो यहाँ पे हम कहीं भी घी या बटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो देखिए अब ये हल्की हल्की गाढ़ी होने लगी है और इसने पूरी जो चाशनी है उसे अच्छे से सोख लिया है। मेरे पास यहाँ पे नेचुरल होममेड ग्रीन फूड कलर है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसका लुक जो है थोड़ा सा पिस्ता जैसा हो जाएगा और जो कि खाने में भी बढ़िया लगेगा। मैं यहाँ पे होममेड नेचुरल फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैंने घर पे बनाया है। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपके पास इस तरह का फूड कलर नहीं है तो आप कोई भी मार्केट वाला फूड कलर ले सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा आप इसे एज इट इज़ प्लेन कलर में भी रख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है अब अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, ये पैन को छोड़ने लगा है, बिल्कुल इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है यानी कि पका कर लेना है। तो अब हम करेंगे गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने घी से ग्रीस किया हुआ मोल्ड लिया है जिससे कि हमारी जो मिठाई है आसानी से डीमोल्ड हो पाए। तो अब हम करेंगे कि गर्मा गर्म मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और इसे हम इवनली स्प्रेड कर देते हैं। आप चाहो तो इसी तरह से इसे थाली में भी सेट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे जो प्रोसीजर है थोड़ा फास्ट करना होगा, यानी कि जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है यानी कि जम जाती है। आप इसे ठंडा होने के लिए 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें जिससे कि पूरी तरह से ठंडा हो जाए और ये आसानी से डीमोल्ड हो पाए। मैं इसे डायमंड शेप में कट करने वाली हूँ जिससे कि ये खूबसूरत लगे और बिल्कुल दिखने में काजू कतली की तरह लगे। हमारी जो मिठाई है लगभग बन चुकी है। वाव देखिए कितना परफेक्ट डायमंड शेप निकल के आ गया है, लग रहा है ना बिल्कुल काजू कतली की तरह। और इसकी खासियत ये कि आपको इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप इसे एज इट इज़ किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर बाहर ऐसे ही रख सकते हैं। महीने भर तक आपकी मिठाई इतनी टेस्टी रहेगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।